मैं पंजाब का रहने वाला हूँ जी, और व्यवसाय के हिसाब से मैं बिजली बोर्ड में एसडीओ लगा हुआ हूँ। पिछले दिनों में हमने ठाकुर जी की पोस्ट के ऊपर कमेंट किए, तो उनके कुछ भक्तों ने कहा कि ये पेड़ बंदे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ जी, हम पेड़ नहीं है। हमारा वहां मेन मकसद था, जो मेरा मेन मकसद था आपको पोस्ट डालने का, वो ये था कि जिस सत भक्ति को बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, उसी सत भक्ति को हम आपके साथ भी शेयर कर सके। आप पोस्ट के ऊपर डाल रहे थे राधे राधे, पढ़ते हो आप गीता और वहां बोलते हो राधे राधे। अगर आप गीता जी को पढ़ो तो गीता जी के 700 श्लोक में कहीं भी राधे राधे शब्द नहीं है। गीता में तो बोल रखा है, बोलने वाले ने, ओम तत् सत इति निर्देशने ब्रह्मणे तिर्विदे सिमरते। अगर उस भगवान की भक्ति करनी है तो ओम तत् सत, और वो भी तत्वदसी संत से लेके भक्ति करनी पड़ेगी। इस संसार में इस समय संत रामपाल जी के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, क्योंकि जो भी हैं पढ़ाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अगर आप देखो गीता जी, कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी कृष्ण जी ने बोल रखी है, अगर आप गीता जी को पढ़ के देखो तो उसमें लिख रखा है कि मैं काल हूं, जो अभी अभी प्रकट हुआ हूं। अर्जुन, जो भी युद्ध के समीप सेना खड़ी है वो तेरे बिना भी मर जाएंगी। वहां से क्लियर होता है जी, गीता जी का ज्ञान जो है वो काल ने दे रखा है। अगर जब एक काल कृष्ण जी को कंट्रोल कर सकता है, तो आप ये बताओ कृष्ण जी भगवान कैसे हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक अकेले संत हैं इस समय धरती के ऊपर, जो चारों वेदों को, कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब को और 18 पुराणों को एक साथ सबको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आप उस ज्ञान को अपने घर में जाके गीता के साथ, वेदों के साथ टैली करो और फिर मानो। हम ये नहीं कहते जी हमारी मानो, हम ये कहते हैं भी जो हमारे शास्त्र हैं आप उनकी मानो। संत रामपाल जी ने 2013-14 में पूरे जन समुदाय में, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करो जी, हर एक संत को चैलेंज किया था भी आप ज्ञान चर्चा करो, और ज्ञान चर्चा किसके आधारित होगी उसके हिसाब से आप निर्णय करना भी कौन सही है कौन गलत है। मैं आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूं जी, भी आप साधना चैनल देखो, 7:40 पे साधना चैनल पे प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी का, और उसके बाद निर्णय करना जी।